नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक के शो डेली राउंडअप में। आई नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसानों के भारत बंद का देश भर में रहा व्यापक असर। विनाशकारी विकास के खिलाफ खड़ा हो रहा है देहरादून। पेड़ों को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग। यूपी में अब्बा जान बयान के बाद उत्तराखंड में जमीन जिहाद की बात। और आखिर में देश में कोरोना के एक्टिव मामले घटकर 3 लाख से नीचे हैं। पिछले साल नवंबर में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन को 10 महीने पूरे हो गए हैं। इन 10 महीनों से किसान आंदोलन जारी है, बल्कि दिन ब दिन और बड़ा होता जा रहा है। किसान आंदोलन के ये 10 महीने कैसे रहे, देखिए न्यूज क्लिक की इस वीडियो में। लेकिन किसान भी अपने दिल की बात करना चाहता है। वाटर कैनन इज बीइंग यूज्ड हियर, बट दे आर स्टिल स्टैंडिंग हियर राइट इन फ्रंट ऑफ इट, नॉट अफ्रेड बाय इट एट ऑल। पश्चिम उत्तर प्रदेश की पब्लिक है, चौधरी साहब की जो अंखों में सांसू निकले ना, अब जब रोने का नंबर सरकार का आया। हमें दबाया जा सके पर हमें मिटाया नहीं जा सकता। इस समय हम न्यूज क्लिक की टीम के साथ खड़े हैं जंतर मंतर पे, जहां पर किसान संसद चल रही है। 13 दिनों से देश की राजधानी में किसान संसद कर रहे हैं। रोड जाम किया भी नहीं था, इतने में पुलिस ने आकर जो हमारे पर लाठी एक ये लगी। और ये पूंजीवाद की और किसान की लड़ाई है। तो आपने देखा कि 10 महीने पहले शुरू हुआ आंदोलन कैसे यहां तक पहुंचा और आज भी जारी है। इधर पिछले कुछ महीनों से किसानों ने इस आंदोलन को नई गति दी है, जिसके तहत आज 27 सितंबर को किसानों की तरफ से भारत बंद रहा। किसानों के इस बंद को मजदूरों ने भी अपना समर्थन दिया। देश के वाम दलों ने भी इसका पूरा समर्थन किया और वो देश भर में सड़कों पर उतरे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी भारत बंद का साथ दिया। बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में किसानों का बंद का असर दिख रहा है। कई राज्यों में रेल रोककर किसानों ने इस बंद को सफल बनाया। आज का ये बंद एक साल के अंदर तीसरा भारत बंद है। एक बार फिर से अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए और पिछले 10 महीने से आंदोलित किसानों की अनदेखी कर रही केंद्र सरकार को चेताने और जगाने के लिए 27 सितंबर का दिन बंद के लिए चुना गया। 27 सितंबर का दिन इसलिए भी खास है
क्योंकि आपको मालूम है कि 28 के साथ 27 सितंबर को भी शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है, जो किसान मजदूरों के राज के हिमायती थे और इसी सपने के लिए देश पर कुर्बान हो गए थे। अब बात उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की करेंगे, जहां की जनता पेड़ों को कटने से रोकने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। देहरादून में आए दिन बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के कारण जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे निजात पाने के लिए सरकार हरिद्वार रोड स्थित जोगीवाला से पैसिफिक गोल्फ सिटी तक मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर विकसित करना चाहती है, जिसके लिए सरकार द्वारा जोगीवाला से पैसिफिक गोल्फ सिटी तक सहस्त्रधारा रोड को 4 लेन सड़क में बदला जाना है। इस काम के लिए सड़क के दोनों ओर खड़े 30 साल से भी अधिक पुराने 2200 पेड़ों को काटा जाना है। देहरादून के लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। पेड़ों के कटान का विरोध करने के लिए 26 सितंबर के दिन बड़ी संख्या में लोग सहस्त्रधारा रोड पर एकत्रित हुए, जिसमें भारी संख्या में गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़े लोग, युवा, छात्र और बुजुर्ग के अलावा महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही पेड़ों को बचाने के लिए दूनवासियों को एकजुट होने का संदेश दिया। हमारी अगली खबर भी उत्तराखंड से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान के बाद पड़ोसी राज्य उत्तराखंड अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का फरमान लेकर आया। हालांकि उत्तराखंड राज्य सरकार ने इस फरमान को जमीन जिहाद के खिलाफ एक उपाय के तौर पर तो पेश नहीं किया, लेकिन इस आदेश के निशाने पर मुसलमान है और इसका मकसद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करना है। यह विचाराधीन सरकारी फरमान सवालों के घेरे में है, जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में एक खास समुदाय की आबादी है जिसकी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसके चलते एक खास समुदाय के लोगों का यहां से पलायन हुआ है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को शांति समितियां गठित करने, अवैध भूमि सौदों पर नजर रखने और आपराधिक इतिहास वाले बाहरी लोगों की सूची तैयार करने का आदेश दिया है। शुक्रवार शाम को जारी एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य के कुछ इलाकों में जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि के चलते उन क्षेत्रों की जनसांख्यिकी अहम तरीके से प्रभावित हुई है और इस जनसांख्यिकी परिवर्तन की वजह से एक खास समुदाय के लोग उन इलाकों से पलायन करने को मजबूर हुए हैं। साथ ही उन इलाकों में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की भी संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि यह सब तब शुरू हुआ जब आरएसएस के करीबी बीजेपी नेता अजय ने इस साल जुलाई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर दावा किया कि सूबे में मुसलमानों ने जमीन जिहाद शुरू कर दिया है। अब बात एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज से जुड़ी हुई है। भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज के मित्र और परिवार मुंबई की भायखला महिला जेल में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण की चिंताजनक और परेशान कर देने वाली खबर से बेहद चिंतित है, जिससे अधिकारियों को परिसर को सील करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछले हफ्ते जेल की निगरानी में फोन पर हुई एक बातचीत में कोयल सेन को उनकी माँ शोभा सेन ने सूचित किया गया था कि जेल के 20 कैदी संक्रमित थे, जो अब बढ़कर 39 हो गए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता के दोस्तों और परिवार ने चिंता जताई है। और आखिर में हम बात करेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार यानी 27 सितंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 26,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए और 276 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित करीब 30,000 मरीजों को ठीक किया गया और एक्टिव मामलों में 3,856 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर लगभग 3,36,00,000 हो गई है, जिनमें से अब तक 4,47,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित करीब 98% मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1% से कम हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक लगभग 86 करोड़ डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 38,00,000 से ज़्यादा वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।